दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए एक स्टोरी लेके आए हुए हैं। ये स्टोरी जो है ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये स्टोरी एक दूध दुहने वाली जो औरत होती है उस पे आधारित है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द मिल्क मैड एंड हर पेल। द मिल्क मैड, यहाँ पे जो द है यहाँ पे खास है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। मिल्क मैड का अर्थ होता है दूध दुहने वाली। द मिल्क मैड एंड हर पेल। द मिल्क मैड, मिल्क मैड का अर्थ होता है दूध दुहने वाली औरत। एंड एंड का अर्थ होता है और, हर हर का अर्थ होता है उसका, जो लेडीज होती है उसके लिए हर यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। पैल, पैल का अर्थ होता है बाल्टी, यानी कि दूध दुहने वाली औरत, दूध दुहने वाली औरत। और एंड का अर्थ होता है और, हर हर का अर्थ होता है उसका, पैल पैल का अर्थ होता है बाल्टी, यानी दूध दुहने वाली औरत और उसका बाल्टी। पैटी द मिल्क मैड वॉज गोइंग टू द मार्केट कैरिंग मिल्क इन ए पैल। पैटी, पैटी वो जो औरत थी उसका नाम था पैटी। पैटी द मिल्क मैड, दूध दुहने वाली औरत, दूध दुहने वाली औरत। वॉज गोइंग टू द मार्केट, बाजार जा रही थी। वॉज का अर्थ होता है था, गोइंग का अर्थ होता है जा रही, और मार्केट का अर्थ होता है बाजार। यानी दूध देने वाली जो औरत थी वो बाजार जा रही थी। कैरिंग मिल्क इन ए पैल, कैरिंग का अर्थ होता है ढोते हुए, ढोते हुए। मिल्क इन ए पैल, ऑन हर हेड, हेड का अर्थ होता है सर, यानी अपने सर पर वो दूध का बाल्टी रख के जा रही थी। मिल्क का अर्थ होता है दूध। इन का अर्थ होता है में, ए पैल एक बाल्टी, बाल्टी। ऑन हर हेड, अपने सर पर, अपने सर पर। एज ही वेंट अलोंग, एज का अर्थ होता है जैसे ही, जैसे ही वह, अलोंग का अर्थ होता है साथ में, जैसे ही वह साथ में जा रही थी, जैसे ही वह जा रही थी, वह जा रही थी। सी बिगेन कैलकुलेटिंग, सी का अर्थ होता है वह, बिगेन का अर्थ होता है शुरू करना, शुरू की। कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग का अर्थ होता है गणना करना, गणना करना। व्हाट सी वुड डू विथ द मनी, व्हाट का अर्थ होता है यहाँ पे जो, सी वुड, वुड का अर्थ होता है चाहेंगे, डू विथ द मनी, सी का अर्थ होता है वह, वुड का अर्थ होता है चाहेंगे, चाहेंगे डू विथ मनी, यानी उसको जो पैसा होगा उस पैसे से जो जो चाहेंगे उसको वो सोचते जा रही थी, उसके पैसे से। सी वुड गेट फॉर द मिल्क, सी का अर्थ होता है वह, वुड गेट फॉर द मिल्क, वो दूध के लिए जो पैसे पाएंगे, वह दूध के लिए, के लिए जो पैसे
पाएंगे। टिल बाय सम फॉल्स फ्रॉम फार्मर ब्राउन, टिल का अर्थ होता है तक, बाय का अर्थ होता है खरीदना, खरीदना। सम फॉल्स, सम का अर्थ होता है कुछ, फॉल्स का अर्थ होता है पक्षी। फ्रॉम फार्मर ब्राउन, फ्रॉम का अर्थ होता है से, फार्मर का अर्थ होता है किसान, और ब्राउन का अर्थ होता है भूरा, यानी किसान के लिए जो पक्षी होता है उसको वो खरीदने का मन में वो सोच रही थी। सैड सी, वह बोली। सैड का अर्थ होता है कहा या बोली। एंड दे विल ले एग्स, और वे अंडा पारेगी, वे अंडा पारेगी पारेगी इच मॉर्निंग, इच का अर्थ होता है प्रत्येक सुबह, प्रत्येक सुबह। विच आई विल सेल, जिसे मैं बेच दूंगी, टू द पर्सन्स वाइफ, किसी आदमी के पत्नी के साथ। विच का अर्थ होता है जिसे, आई विल सेल, मैं बेच दूंगी, मैं बेच दूंगी, टू द पर्सन वाइफ, किसी के पत्नी के साथ, किसी के पत्नी के साथ। विथ द, विथ का अर्थ होता है साथ। विथ द मनी दैट आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ, मनी का अर्थ होता है रुपया, दैट का अर्थ होता है कि, आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ दीज एग्स, यानी उस अंडे को बेचने से जो, आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ दीज एग, उस अंडे को बेचने के बाद, उस अंडे को बेच देने के बाद, बेच देने के बाद, यानी जो रुपया होगा उससे। आई विल बाय माई सेल्फ ए न्यू डेमिटी फ्रॉक, मैं खरीदूंगी अपने लिए, मैं खरीदूंगी, खरीदी खरीदूंगी अपने लिए, अपने लिए ए न्यू डेमिटी। ए न्यू का अर्थ होता है एक नया, डेमिटी फ्रॉक यानी डेमिटी फ्रॉक, डेमिटी फ्रॉक यानी अपने लिए एक डेमिटी फ्रॉक खरीदूंगी। एंड ए चीफ हैट, और एक बढ़िया सा टोपी, एक बढ़िया सा टोपी। एंड व्हेन आई गो टू द मार्केट, जब, और जब मैं मार्केट जाऊंगी यानी बाजार जाऊंगी, और व्हेन का अर्थ होता है जब, आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगी, मैं बाजार बाजार जाऊंगी या जाती हूँ, जाती हूँ। वॉन्ट ऑल द यंग मैन कम अप एंड स्पीक टू मेल, वॉन्ट 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 का अर्थ होता है जो नहीं, जो नहीं। ऑल द यंग, ऑल का अर्थ होता है सभी, यंग का अर्थ होता है युवा। मैन, मैन का अर्थ होता है आदमी। कम अप, आए, कम अप का अर्थ होता है आए। एंड स्पीक टू मी, और मुझसे कहे, और मुझसे कहे, कहे।
पॉली सॉ विल बी सो जेलियस। पॉली देखेगी बी सो जेलियस और वह हमसे ईर्ष्या करने लगेगी, उसे ईर्ष्या हो जाएगा। और उसे ईर्ष्या हो जाएगा जाएगा बट आई डोंट केयर, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी। बट का अर्थ होता है लेकिन, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी, उस पर ध्यान नहीं दूंगी। आई शैल जस्ट लुक। जस्ट लुक, जस्ट का अर्थ होता है तुरंत, लुक का अर्थ होता है देखा, एट का अर्थ होता है पर, हर, हर का अर्थ होता है उसके, और टॉस माई हेड, टॉस का अर्थ होता है उछालना, माई हेड का अर्थ होता है मेरे सर, मेरे सर। लाइक दिस, इसके जैसा, इसके जैसा। यानी कि वो बोले कि आई विल जस्ट लुक एट हर, मैं जब देखूंगी वो लोग को, वो मेरे सर की तारीफ कर रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है, तो मैं बहुत खुश होंगी। एज सी स्पोक डैट, जैसा वो बोली कि, जैसा वह, स्पीक का अर्थ होता है बोलना, बोली कि सी टॉस्ड हर हेड बैक एंड द पैल। सी का अर्थ होता है वह, टॉस्ड, टॉस्ड का अर्थ होता है टॉस किया, टॉस किया। हर हेड अपने सर, बैक, बैक का अर्थ होता है पीछे, एंड द पैल, एंड का अर्थ होता है और, पैल का अर्थ होता है बाल्टी, बाल्टी। फेल ऑफ इट, बाल्टी का जो इट था वो गिर गया। फेल का अर्थ होता है गिरा, ऑफ इट इधर, यानी बाल्टी का जो दूध था वो इधर गिर गया। एंड ऑल द मिल्क वाज स्प्लैट, जितने भी दूध थे सभी इधर उधर बट गए, और सभी दूध इधर उधर बट गए, इधर उधर बट गए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, इससे कहानी से कुछ सीख मिलती है। मोरल, मोरल का अर्थ होता है नैतिक, यानी इस कहानी की कुछ नैतिक शिक्षा है। डू नॉट काउंट योर चिकेंस बिफोर दे आर हैच्ड, इसका अर्थ होता है कुछ अच्छा होने पर, कुछ अच्छा होने पर तब तक भरोसा ना करें, तब तक भरोसा ना करें जब तक कि वह ना हो जाए, भरोसा ना करें जब तक कि वह ना हो जाए जाए। दोस्तों, ये जो कहानी है, इसको फिर से अच्छे से एक बार और हम समझा देते हैं। ये जो कहानी है दोस्तों, ये एक दूध देने वाली औरत और उसके बाल्टी के बीच में ये कहानी है। द मिल्क मैड का अर्थ होता है दूध देने वाली औरत, औरत। एंड, एंड का अर्थ होता है और, हर पैल का अर्थ होता है उसका बाल्टी। पैटी द मिल्क मैड वॉज गोइंग टू द मार्केट कैरिंग मिल्क इन ए पैल। पैटी जो थी दूध देने वाली औरत, वो बाजार जा रही थी अपने दूध के बाल्टी को लेकर। ऑन हर हेड, अपने सर पर। एज
शी वेंट अलोंग, जैसे ही वो जा रही थी तो वो मन में कुछ कैलकुलेट कर रही थी, यानी मन में कुछ गणना कर रही थी। व्हाट शी वुड डू विथ द मनी, यानी वो जो पैसे कमाएगी उससे वो क्या करेगी। शी वुड गेट फॉर मिल्क, यानी दूध से जो पैसे आएगा उसका वो क्या करेगी। टिल बाय सम फॉल्स फ्रॉम फार्मर ब्राउन, वो क्या करेगी कि एक जो किसान था उसके जैसे भूरी जो पक्षी थी वैसे पक्षी को वो खरीदेगी। सी सैड, वह बोली, एंड दे विल ले एग्स, वह अंडा पारेगी। इच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। विच आई विल सेल द पर्सन्स वाइफ, और मैं किसी किसी के पत्नी के साथ उसे बेचूंगी। विथ द मनी दैट आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ दीज एग्स, वो जो पैसे जो आएगा अंडे को बेच के। आई विल माई सेल्फ ए न्यू डिमिटी फ्रॉक, मैं एक नया फ्रॉक खरीदूंगी। एंड ए चीफ हैट, और एक अच्छा सा टोपी भी खरीदूंगी। एंड व्हेन आई गो टू द मार्केट, और जब मैं मार्केट से जाऊंगी, वॉन्ट ऑल द यंग मैन कम अप, सभी जवान आदमी मेरे पास आएंगे। एंड स्पीक टू मी, मुझसे बोलेंगे। पॉली सॉ विल बी सो जेलियस, पॉली जब देखेगी तो वो मुझसे जलेगी। बट आई डोंट केयर, लेकिन मैं उसका ध्यान नहीं दूंगी। आई सेल जस्ट लुक एट हर ऑन टॉस माई हेड, और मैं अपने सर पर ही ध्यान दूंगी, मैं सर की तरफ ही ध्यान दूंगी। लाइक दिस, जैसा जैसा कि वो सब लोग कहेंगे। एज सी स्पोक डैट, जैसे ही वो बोली, सी टॉस्ड हर हेड बैक, वो पीछे मुड़ी। एंड द पैल फेल ऑफ इट, और उसका जो बाल्टी जो था वो गिर गया। एंड ऑल द मिल्क वॉज स्प्लैट, और जितने भी दूध थे सभी इधर उधर बट गए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है इससे कुछ नैतिक शिक्षा भी मिलती है। डू नॉट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, कुछ अच्छा होने पर तब तक भरोसा ना करें जब तक कि वो ना हो जाए। ये कहानी से सीख मिलती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहते हैं।